नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एग्जाम स्टडी चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक से जो भी व्यक्ति या स्थान चर्चा में है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सोनम कपूर की। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर बनी है सोनम कपूर। अभिनेत्री सोनम कपूर को पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा इंडिया ने 2018 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। सोनम को यह सम्मान उनके शाकाहारियों ने और अपने फैशन ब्रांड के लिए हैंडबैग्स के निर्माण में पशुओं की खाल का प्रयोग नहीं करने के लिए दिया गया है। साल 2016 में सोनम पेटा इंडिया की शाकाहार सेलिब्रिटी बनी थी। पेटा इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर सचिन बेगरा ने कहा कि सोनम कपूर जिस तरह से भी पशुओं की मदद कर सकती है उससे वह पीछे नहीं रही है। ड्रोन से भेजी गई वैक्सीन लगवाने वाला विश्व का पहला बच्चा बना जॉय नोबोई। कहाँ का रहने वाला है हम देखते हैं। दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपी देश है वानवाटू। यहाँ का एक माह का जॉय नोवाई ड्रोन से भेजी गई वैक्सीन लगवाने वाला विश्व का पहला बच्चा बन गया। संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए इस नवजात का टीकाकरण किया गया है। यह द्वीप समूह करीब 80 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। यूनिसेफ के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्र के कुक्सवे के लिए 40 किलोमीटर दूर से वैक्सीन भेजी गई थी। मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं असमा जहांगीर। कौन थी ये? मानव अधिकार कार्यकर्ता थी असमा जहांगीर। इनको मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार 5 साल में एक बार मानव अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है। ये पाकिस्तान की बेगम राना लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो और मलला यूसुफ जई को भी यह सम्मान मिल चुका है। तो ये कहाँ की रहने वाली है? असमा जहांगीर रहने वाली है पाकिस्तान की। चार्ल्स मिशेल बेल्जियम के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया है हम देख लेते हैं। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने इस्तीफे की घोषणा की है। लगभग 2 सप्ताह पहले आव्रजन के मुद्दे पर उनके मुख्य गठबंधन सहयोगी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था जिससे उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी और इस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अगली महत्वपूर्ण खबर है 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन में बिताकर धरती पर लौटे इनका नाम है सेरेना आनंद चांसलर सर्गेई रोकोयेव और अलेक्जेंडर गर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से अधिक समय गुजारने के बाद ये तीन अंतरिक्ष यात्री है, याद रखिएगा, सेरेना आनंद चांसलर सर्गेई वोकोयेव और अलेक्जेंडर गस्ट। नासा की सेरेना रूस के सर्गेई और जर्मनी के अलेक्जेंडर गस्ट को लेकर रूसी सोयुज यान कजाकिस्तान पर उतरा। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 197 दिन बिताए। सेरेना और सर्गेई का पहला और गस्ट का यह दूसरा या तीसरा दौर था। रीवा गांगुली दास, यह बनाई गई है बांग्लादेश में भारत की नई उच्चायुक्त। फोटो में आप इनको देख सकते हैं। मराठी फिल्म निर्देशक यशवंत भालकर का निधन हो गया है। ये है यशवंत भालकर। उन्होंने मराठी फिल्म पेज लग्नाची का 1997 में स्वतंत्र रूप से निर्देशन कर अपार प्रशंसा बटोरी थी। उनकी इस फिल्म को 14 कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे। किस फिल्म के लिए? पेज लग्नाची के लिए। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था तुलसी गिरी, इनका निधन हो गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जिनका नाम है जेम्स मेटिस, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और क्यों दिया है? अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस ने सीरिया और अफगानिस्तान से अमेरिका ने जो सैनिकों को वापस बुलाया है इस कारण से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। ये इस फैसले से सहमत नहीं थे। वे 28 फरवरी 2019 तक पद से हट जाएंगे। 28 फरवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया जाता है, विज्ञान दिवस। 68 वर्षीय मेटिस ने कहा कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से सहमत नहीं थे, इसी कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, एक अमेरिका है जहाँ पर कुछ फैसलों से असहमत होकर इस्तीफा दे दिया जाता है और एक भारत है जहाँ पर कि मांगने पर भी इस्तीफा नहीं दिया जाता है। हालांकि कोई कारण जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर छोटी छोटी बात पर इस्तीफे मांग लिए जाते हैं भारत में। शुद्र ग्रह बेनु, नासा को इस पर पानी के संकेत मिले हैं।
नासा के विशेषज्ञ ने शुद्ध ग्रह बेनु पर पहुंचकर पानी के संकेत खोज निकाले हैं। हाल ही में इस ग्रह पर कदम रखने वाले नासा के विशेषज्ञ ने धरती पर जो डाटा भेजा उसका अध्ययन कर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस यान ने अंतरिक्ष में 2 साल से अधिक समय में 2 अरब किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। अमेरिका में सैनिकों और मरीजों की मदद करने पर मिली मानद डिप्लोमा डिग्री किसे? डाग ग्रिफिन को। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसाइट लैंडर यह महत्वपूर्ण है। मंगल पर स्थापित किया भूकंप मापी यंत्र। अमेरिकी स्पेस एजेंसी जिसका नाम है नासा, इसके इनसाइट लैंडर ने मंगल की सतह पर भूकंप मापी उपकरण को स्थापित करने में सफलता पाई है। लैंडर द्वारा भेजी गई तस्वीरों में लाल ग्रह की सतह के अंदर होने वाली हलचल का पता लगाने वाला भूकंप मापक यंत्र वहां की सतह पर दिखाई दे रहा है। इनसाइट प्रोजेक्टर ने इसे क्रिसमस का तोहफा माना है। मंगल ग्रह की सतह और वहां की जीवन की संभावना का पता लगाने के लिए मई में इनसाइट लैंडर को लॉन्च किया गया था। हेनियत अनेना, इनको युगांडा की कवित्री है हेनियत अनेना। इनको वोल सोइंग का पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। काव्या ऋषभ और अमिका, ये टाइम मैगजीन के 25 प्रतिभावान किशोरों में शामिल है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, काव्या ऋषभ और अमिका। अमेरिका की टाइम मैगजीन की ओर से इस साल जारी की गई दुनिया के 25 प्रभावशाली किशोरों की सूची, इसमें 3 भारतवंशी है, काव्या कोपारापू, ऋषभ जैन और अमिका जॉर्ज। काव्या ने डीप लर्निंग कंप्यूटर बनाया है जो ब्रेन कैंसर के इलाज में मददगार होगा। ऋषभ 8वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्होंने पेंक्रियात कैंसर से जूझ रहे रोगियों के लिए ऐसा एल्गोरिथम तैयार किया है, जबकि ब्रिटेन की अमिका ने फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटकर ब्रिटिश सरकार से फंड आवंटित करवाया। तो सभी बच्चों ने इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है। भारतीय महोत्सव इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। इंडोनेशिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संस्कृति और फिल्मों को बढ़ावा देने तथा भारत में एवं इंडोनेशिया के बीच पर्यटन बढ़ाने के लिए 1 सप्ताह का भारतीय महोत्सव 17 से 23 दिसंबर 2018 तक संपन्न हुआ। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। भारतीय दूतावास जकार्ता, विशेष क्षेत्र की प्रांतीय सरकार और राज्य इस्लामी विश्वविद्यालय सुनान कालीजागा के सहयोग से इस भारतीय संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय संगीत, नृत्य, पकवान, योग, कला और लोकप्रिय हिंदी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। नीलेश देसाई, ये समाज सेवा के लिए मैन ऑफ द ईयर चुने गए। समाज सेवी है नीलेश देसाई। इनको प्रतिष्ठित अंग्रेजी पत्रिका द वीक ने वर्ष 2018 के मैन ऑफ द ईयर के लिए चुना है। 57 वर्षीय देसाई ने झाबुआ जिले की पेटलावत तहसील के रायपुरिया गाँव में लंबे समय से एनजीओ संपर्क के माध्यम से 35,000 से ज्यादा जनजातीय आदिवासी परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने और आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो नीलेश देसाई को मैन ऑफ द ईयर चुना है अंग्रेजी पत्रिका द वीक ने, याद रखिएगा। और इन्होंने कहाँ पर विशेष किया काम किया? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। केबल कार की सुविधा माँ वैष्णो देवी से भैरव घाटी के लिए शुरू हुई है। माँ वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए 25 दिसंबर से माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने केबल कार सुविधा शुरू कर दी है। इसमें क्या रहेगा? यह पैसेंजर केबल कार सेवा मंदिर से भैरव घाटी तक चलेगी। उड़न खटोला एक्चुअली इसे कहते हैं, तो वही उड़न खटोला शुरू हुआ है। केबल कार थोड़ा सा अटपटा लग रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ खास होगा। नाम मात्र के शुल्क पर यह सुविधा मिलेगी और उन यात्रियों को ज़्यादा मदद मिलेगी जो उम्र और स्वास्थ्यगत परेशानियों के चलते भैरव घाटी तक दर्शन करने नहीं जा पाते थे। यह दूसरा मिशन था उन अंतरिक्ष यात्रियों का जिनकी हमने पहले बात की थी। और करणदीप आनंद, भारतवंशी ने संभाली फेसबुक के वर्क प्लेस की कमान। सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी फेसबुक के कारोबारी स्मार्ट टूल वर्क प्लेस की कमान भारतीय मूल के करणदीप आनंद को सौंपी गई है। आनंद पहले से ही फेसबुक में वरिष्ठ अधिकारी पद पर 4 साल से कार्यरत हैं। इससे पहले वह 15 साल माइक्रोसॉफ्ट में भी काम कर चुके हैं। तो बेसिकली आपको करणदीप आनंद का नाम याद रखना है, ये फेसबुक से संबंध है। इंडोनेशिया में भारतीय महोत्सव संपन्न हुआ, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं।
हर्षवंदन श्रृंगला, ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो ये थे दोस्तों चर्चित व्यक्तित्व जो कि पिछले हफ्ते से संबंधित थे। इनमें से ज़्यादातर को मैं अपने वीकली और मंथली करंट अफेयर्स में कवर कर चुका हूँ, दो चार छूट गए होंगे तो वह हमने इसमें कवर कर लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।